हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी ब्लॉग्स। सो अब पल्लवी ब्लॉग्स 12 नहीं रही, मतलब कि मैं आपके सामने हूँ लेकिन मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया है। सो अब मैंने अपने चैनल का नेम रख लिया है मिस पल्लवी। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने क्यों नाम चेंज किया, क्योंकि मैं बहुत रेयरली ब्लॉग शूट करती हूँ। सो मैंने पहले जब चैनल बनाया था तो मेरा यही मोटिव था कि मैं व्लॉग्स वगैरह शूट करूँगी। फिर धीरे धीरे मैं मतलब मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाने लग गई। सो अब मेरे को व्लॉग्स बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। सो इसी के लिए मैंने अपने चैनल का नेम चेंज करके मिस पल्लवी कर लिया है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइस, पीछे मेरा ये प्रोडक्ट देख के आप लोग खुद श्योर हो गए होंगे कि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। आज मैं वेगा हेयर स्टाइलर का रिव्यू करूँगी। ये 3-in-1 हेयर स्टाइलर है। सो आप इसे क्रिम्पर भी कर सकते हैं, आप इसे कर्लर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट मैंने बहुत टाइम से मंगवा के रखा था, लेकिन मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको इसका रिव्यू, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइज, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से बाय किया है और इसका रेट है 1999, लेकिन मैंने फ्लिपकार्ट ऑफ़र चल रहा था तो मैं 1200 समथिंग में इसको कुछ किस 1200 समथिंग में मंगवाई हूँ। ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। आपको फिर तीन अलग अलग प्रोडक्ट रखने का ज़रूरत ही नहीं है, ये एक प्रोडक्ट ही सब काम कर देगा। इसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं, क्रिम्पर के लिए भी यूज़ होगा और कर्लर के लिए भी ये प्रोडक्ट यूज़ होगा। इसका पैकेजिंग है, ये कार्डबोर्ड के बॉक्स पर मेरे को रिसीव हुआ। सो इस पे सबसे पहले गाइस सिरेमिक कोटेड प्लेट्स है। इसमें वन बटन टू स्विच एनी स्टाइल पावर एलईडी इंडिकेटर है, 3 इजी लॉक सिस्टम है, 2 ईयर वारंटी भी मेरे को इस पे मिला है। इसको पहले यूज़ कर चुकी हूँ तो इसी के लिए इस पे जो प्लास्टिक का कोटेड आया था वो मेरा फिका गया है। सो मैं यूज़ करके आप लोगों को इसका रिव्यू दे रही हूँ। ये इसका वायर 360 रोटेट भी होता है, ये भी बहुत अच्छा बात है। और देन उसके साथ मेरे को एक ये यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड मेरे को मिला था। इसको आप देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे, और ये एक बटन दिया हुआ है जिसमें से हम स्विच कर सकते हैं, मतलब तीनों में से जो भी आपको करना है। जैसे कि मैं खुद ही इसको अभी समझ नहीं पाई हूँ। सो इसको ऐसे बटन को प्रेस करने पे स्ट्रेटनर का खुलेगा, फिर उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो इधर क्रिम्पर है और इधर स्ट्रेटनर है। देन ये इसको लॉक कर देंगे पूरा यहाँ से। सो ये पूरा लॉक हो गया ये, तो इसके बाद ये कर्लर का वो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो इससे आप इजीली कर्ल कर सकते हैं। इसका वायर भी अच्छे लेंथ में मेरे को मिला है। हम लोग बात कर लेते हैं यूज़र मैनुअल के बारे में। सो गाइज, यहाँ पे पूरा हाउ टू यूज़ कर दिया हुआ है, आप इस पे से भी पढ़ सकते हैं। ये 3-in-1 जो कलर है उसका पूरा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसका वारंटी कार्ड इसमें वार्निंग दिया है। गाइज, अब हम लोग इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा स्विच बोर्ड यहीं पर है एंड अभी मैं ये ऑफ है। इसको ऑन करने के लिए इसको ऑन करूँगी तो फिर यहाँ पे रेड, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगा। देन जैसे कि मेरे को स्ट्रेट करना है, खुद ही बहुत कंफ्यूज हूँ गाइस, मैं आप लोगों को क्या सिखाऊँ। ये स्ट्रेटनर का खुल गया, अब ये हीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम स्ट्रेट करके देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। ये दिस साइड है तो मैं इसी को फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट करके देखूँ। पहले गाइस मैं कॉम कर लूँ, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है इसमें। गाइस मैं इसको हीट अप कर चुकी हूँ और इसका मेरे को एक डिसएडवांटेज लगा कि इस पर कोई भी टेम्परेचर वाला नहीं दिया है कि आप कितने डिग्री पे इसको हीट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब ये हीट हो चुका है वैसे। मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। फ्रंट का सेक्शन ली मैं थोड़ा सा,
और यहाँ पे पकड़ने के लिए दिया हुआ है, सो आप इजीली यहाँ पे पकड़ सकते हैं। आप इस एरिया को नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि ये एरिया भी बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुका है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बाल स्ट्रेट हो चुका है, मैंने सिर्फ एक ही बार किया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेट हुआ है। सो गाइज, ये मेरा बाल आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रेट कितना अच्छा हुआ है। मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। सो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि अभी मेरा बाल, मतलब सामने का फ्रंट हेयर मेरा बहुत ज़्यादा कर्ली टाइप का है, मतलब इस साइड का आप लोग देख सकते हैं और इस साइड का आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों साइड में। सो अपने हेयर को सो क्रिम्पर के लिए मैंने ये ओपन कर लिया है। सो आप लोग इसका प्लेट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं क्रिम्पर भी कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा क्रिम्पर हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो मैं इसको फिर से ऑन कर लेती हूँ ताकि थोड़ा हीट अप हो जाए। मैंने फ्रंट सेक्शन का थोड़ा सा पार्ट ले लिया है, देन उसके बाद हम क्रिम्पर करेंगे। सो कुछ सेकंड, 5 से 6 सेकंड आप इसको रख सकते हैं और आप खुद ही देखेंगे डिफरेंस कि कितना अच्छा हो रहा है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जब आप क्रिम्पर कर रहे हैं सो इसको बहुत ज़्यादा हीट होने दें, हीट होने पे ना ये और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सो गाइज, आप लोग खुद ही देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लुकिंग लाइक अ वाव। ओह माय गॉड, मैं थोड़ा सा और सेक्शन लूंगी हेयर का। ओके, सो थोड़ा सा सेक्शन और लेके मैं ज्यादा बाल से ट्राई करके देखते हैं। वैसे मेरा बाल बहुत ज्यादा लंबा है सो इस वजह से मेरे को बहुत टाइम लगता है, तो मैं स्ट्रेटनर ही ज़्यादा करती हूँ, बहुत टाइम लगता है। सो दैट्स व्हाई मैं, तो कुछ सेकंड आप इसको अपने हेयर पे रखिएगा, जैसे कि 5-6 सेकंड आपके अकॉर्डिंग। वैसे बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो 5-6 सेकंड में इजीली वो क्रिम्पर हो जाएगा। सो आप लोग खुद ही देख सकते हैं डिफरेंसेस। अच्छे तरीके से हुआ है। सो क्रिम्पर के लिए भी मैं इसे 10/10 ही दूंगी क्योंकि मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में बहुत अच्छा हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, आप पूरे हेयर को अगर क्रिम्पर कर लिए तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे को ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यूज़ करेंगे कर्लर। सो मैं कर्लर तो बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे को पर्सनली कर्लर पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। अलग प्लेट है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि सिर्फ इतना ही पोर्शन को आप पकड़िए। ये पूरा प्लेट बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा। मैं इससे 2 बार जल भी चुकी हूँ। सो आप लोग बहुत आराम से करिएगा। थोड़ा सा सेक्शन हम लेंगे, देन उसके वैसे पर्सनली मेरे को कर्लर बिल्कुल नहीं पसंद है, ना मेरे को आता है और ना मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, प्रोडक्ट है तो। कभी कभी वैसे कर्लर भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, मेरे को आया नहीं करने, या फिर ये ऐसे ही होता है। हम फिर से ट्राई करेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो हो चुका है। ओके, हम इसको ट्राई करते हैं।
इस तरीके से भी ट्राई करके देख लेते हैं। मेरे को शायद नहीं आ रहा है करने। ओके, इस तरीके से बहुत अच्छा कर्ल हुआ है। सो आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस, इको आ गया। सो गाइस, मैं इसको कर्लर के लिए 10 में से 8 नंबर दूंगी, क्योंकि मेरा लॉन्ग हेयर है तो खुद से कर्ल कर ले बनता नहीं है। सो लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग बोलेंगे तो मैं अमेज़ॉन से भी मतलब लिंक कॉपी करके, अगर ऑफ़र चल रहा है सो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। स्ट्रेटनर तो बहुत अच्छा है, क्रिम्पर भी बहुत अच्छा है, बहुत सेटिस्फाई है, अभी भी मेरा क्रिम्प्स है। कलर तो बहुत आराम से रिलैक्स होके करना पड़ेगा तब होगा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे और बहुत घने बाल हैं। सो इसलिए मेरे को थोड़ा और ज़्यादा मतलब एकदम फ्री टाइम निकाल के कर्ल करना पड़ेगा। आप लोगों से किसी को मिलवाना चाहती हूँ, ये है मेरा लियो। लियो आया है मेरे को देखने कि मैं क्या कर रही हूँ। सो मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं 10K के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब आते रहेंगी। सो तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।